देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 3,48,421 नए मामले आए सामने, 4,205 लोगों की हुई मौत। वैक्सीनेशन पर भारत सरकार का नया प्लान, 2 से 18 साल वालों को जल्द लगेंगे कोरोना के टीके। भारत बायोटेक को बच्चों पर ट्रायल की मिली मंजूरी। कोरोना के बीच भारत की लगातार मदद कर रहा विदेश, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड ने फिर भेजा मेडिकल उपकरणों से भरे विमान। यूपी में कोरोना से सरकार और प्रशासन का हुआ राम नाम सत्य, शामली, गोरखपुर और ललितपुर से विचलित करने वाली तस्वीरें आई सामने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोरोना से हालात हुए बेकाबू, इलाज के लिए लोग पड़ोसी राज्यों में हो रहे भर्ती, हर घर में मिल रहे हैं संक्रमित मरीज। गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने की कोशिश जारी। देश में आम आदमी की जेब पर फिर पड़ी मार, पेट्रोल डीजल की कीमतों में 25 पैसों की बढ़ोतरी दर्ज, भोपाल में 100 रुपए के पार पहुंचा पेट्रोल। 7 साल बाद इजराइल पर बड़ा हमला, फिलिस्तानी ने दागे 300 रॉकेट, भारतीय महिला समेत 3 लोगों की मौत, इजराइल एयरफोर्स के जवाबी हमले जारी।